हन और दिमाग में बिठाना चाहता है नाजरीन करराम ये दुनिया अगर इसकी रगबत बढ़ जाए इंसान इसे अपनी अगर ज़िंदगी का मकसद बना ले तो दुनिया में जब आदमी मुनहमिक हो जाता है या खो जाता है उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया हो जाती है जानते हैं आप कितना बड़ा नुकसान होता है अकबर इंसान कुफ्र जैसी मौलिक बीमारी में गिरफ्तार हो जाता है कुफ्र कर बैठता है अपने ईमान से हाथ धो बैठता है उसकी क्या दलील है अल्लाह तबारा व तआला ने कुरान मजीद में सुरतुल्कहफ में दो दोस्तों की मिसाल बयान फरमाई एक दोस्त जो थोड़ा मालदार था पैसे वाला था उसके पास काफी ज़मीनें थी खेतियाँ थीं, और जब भी फलों का मौसम आता था कान लहू समर सबसे ज्यादा फल वाला हो जाता था वो बहुत मालदार था कुरान ने कहा कि वो शख्स जो मालदार था अपनी मालदारी के नशे में चूर हो करके, अपने दूसरे साथी से गुफ्तगू करते हुए कहता है मास्त कईम मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि कयामत कायम होगी आप गौर करो कितना बड़ा जुमला कहा उसने मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि कयामत कायम होगी क्या मतलब शक में पड़ गया हो और ने अहले इल्म ने ये बात नकल फरमाई है कि कुफर की दो किस्में हैं एक है कुफरे अकबर और एक है कुफरे असगर कुफरे अकबर में अगर आदमी मुबतला हो जाता है तो दार इस्लाम से खारिज हो जाता है लेकिन अगर कुफरे असगर में मुब्तला होता है इस्लाम से खारिज नहीं होता लेकिन कुफरे असगर इंसान के लिए जरिया बनता है कुफर अकबर तक पहुंचने का फिर इल्म ने कुफरे अकबर की पांच किस्में जिक्र की हैं जिसमें से एक किस्म है कुफरे शक यानी ईमानियात का जो बाब है अल्लाह पर ईमान लाना उसके रसूलों पर ईमान लाना अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना आखिरत के दिन पर ईमान लाना अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना आखिरत पर ईमान लाना उसमें बरसक की ज़िंदगी क़यामत जन्नत जहन्नम ये सारी चीजें शामिल हैं, दाखिल हैं। इस पर यकीन करना ईमान लाना वाजिब है जरूरी है फर्ज है उसके दौलत के नशे में चूर होकर के क्या कहता है मैं कौमा मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि क्यामत कायम होने वाली है पता ये चला कि पैसे और दौलत और, और दुनिया के नशे में वो चूर होकर के कयामत का इनकार कर बैठा फौरन उसके दूसरे दोस्त ने कमजोर था नादरी ने कम पता ये चला की ये दुनिया की रगबत दुनिया की खाश इंसान से कुफ्र करती है कुफ्र जैसी मौलिक बीमारी में भी इंसान जाकर गिर जाता है अगर वो दुनिया की तड़प में बढ़ता चला जाता है तो अपने ईमान से हाथ धो बैठता है दोस्तों और साथियों वर रगबत दुनिया दुनिया की ख्वाहिश ये बदबख्ती की आलामत है और दिल जब सख्त होता है तो ये सारे मामलात भी सामने आते हैं कहा ये बदबख्ती की अलामत है कि इंसान दुनिया के पीछे पड़ जाए दुनिया की ख्वाहिश उसके जहनों दिमाग में बैठ जाए पूरी तरह से और वो अपनी आखिरत से गाफिल हो जाए